व्हाट्स अप गाइस, ऋषभ हियर, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं लोनावाला। वही बोल रहा हूँ, निकालना ऋषभ। लोकेशन देख लीजिए। अरे भाई भाई भाई, और ये जिनका व्लॉग चैनल है वो ऋषभ मिश्रा, और मेरे साथ मेरा दोस्त तेजस कोले। और स्टेशन पे भी हमारी एक दोस्त रुकी है। Let me see you get down, down. Let me see you bounce, bounce. Let me see you drop, get diggy down. We are going to Pavna Lake and Pavna Lake is on. Two gen thane mein ruke. So fresh like an evergreen. I wanna see you get high like an evergreen. I wanna smash every set when I'm on the scene. And shake by now. एक जन पुणे में रुके। फाइनली गाइस, फाइनली बफी लेरी इन द हाउस, इन द हाउस। बॉल की तरह, चेन की तरह लुट गया। अरे वो लुट गया, वो लुट लिया मेरे को। किधर से आ रहा था कंसोल इसके, इधर से ऐसा क्या बोला रे? मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं, सब लोग मिलेंगे लोनावाला स्टेशन पे, और वहाँ से एक कार में जाएंगे। टिकट कंफर्म हुआ? तीन कंफर्म है, दो वेटिंग है। तीन कंफर्म टिकट, दो वेटिंग। चलो देखते कैसा रहता है सफर, और मिलते हैं आपको स्टेशन पे। तो भाई साहब, पूरे दो घंटे की जर्नी तय करने के बाद आखिरकार हम अपनी मंजिल पे पहुंच ही गए, हमारे लोनावाला स्टेशन पे। और इस समय इतना जल्दी बीत गया हमें महसूस ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास एक से एक बढ़ के नमूने जो थे, जैसे इन्हीं महाशय को देख लीजिए। ऑफ टू लोनावाला वी आर गोइंग, एंड नहीं बस हो गया। और यही नहीं, जरा इन पर भी गौर डालिए जिन्हें कैमरा में चाहिए सेल्फी। सेल्फी कैमरा क्या होता है? सेल्फी कैमरा नहीं, इसमें शायद What's up guys? तो अभी लोनावाला स्टेशन आके हमको आधा घंटा हो गया, और मेरे समझदार दोस्त की वजह से कैब नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। उसका क्रेडिट भाई की वजह से नहीं आई है कैब, तारीफ है। उसका श्रेय जाता है हमारे प्रिय मित्र को। प्रिय मित्र ऊपर, ए तू लेट हो क्या? हम लोग गंसोली से लोनावाला इधर आ गए। अच्छा, यहाँ पे कैसे? हम लोग गंसोली से लोनावाला तक आ गए, और इसका कैब वाला 30-15 किलोमीटर है, तभी अभी तक पहुँचा नहीं है। और देखो अंधा बैठा है उधर, अंधे को भी लेके आया हमें, तो हमारा अंधा है। हेलो भगवान के, यूनिक दोस्त का यूनिक चश्मा देखेंगे अभी। चलो 10 का 1 10 का 1 10 का 1 रजनीकांत स्टाइल में क्या फोल्ड करके देखो। 10 का 1 10 का 1 10 का 1 चलो एक चश्मा गया, चश्मा गया, चश्मा फोल्डेबल आवडला तर ठेवा, नाही तर घ्या, मन जाएगा। तो
भाई साहब यहाँ से हम लोग पहुँच गए लाइन पॉइंट कुछ फोटो क्लिक्स करने के लिए, थोड़ा टाइम पास करने के लिए। चश्मा देखा एक बार, एक वीडियो के लिए खाली दे रहा हूँ आगे चल के। ये तो तिकड़े गाड़ी बोल हाय बोल चला नहीं बंदर का रिकॉर्ड करना, बंदर का ठीक है, बंदर 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 पे फोकस हो रहा है इधर, उसको करना ज़ूम। शेख भाई दुबई से का भाई, शेख भाई आपको पुलिस ढूंढ रही है। शेख भाई दिख रहे लाइन पॉइंट पे सिर्फ बंदर दिख रहे हैं और यहां पे छोटा हाथी दिख रहा है, और अभी यहां से जाएंगे गाड़ी में और एक चिंपैंजी भी है। ठीक है ए जा पीछे, ये मेज दिस इज माय प्लेस। ओके जैसे तो रहा तो सही तरफ छू। तो वहाँ पे हमने कार पार्क की है और पहुँच चुके हम पावना लेक। तो व्यू काफ़ी ऑसम है गाइस, और मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ। अरे मस्त जगह है उधर, क्या बोल तो रहे सब लोग, एक नंबर व्यू। अभी देखा नहीं मैंने, अभी जाके देखेंगे और देखते वाकई व्यू है एक नंबर की नहीं। ये कपल कॉटेज कपल्स के लिए, लेकिन हम लोग ने बुक किया है टेंट क्योंकि हम आए हैं इधर ट्रैकिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए नहीं कैंपिंग के लिए, और कपल्स कॉटेज से हमारा कुछ लेना देना नहीं। और व्यू तो मैं दिखा चुका हूँ, और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। देखिए ये बढ़िया लोकेशन आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाइए मेरे, जो आप फील करोगे ना पीस, आपको जो चाहिए वो यहाँ पे कुछ देर के बाद जब सूरज ढल जाएगा, रात की चांदनी टिमटिमाएगी। भाई 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 देखो असली कपल टेंट इधर, रात की चांदनी जब टिमटिमाएगी तब वहाँ पे अगर तुम इसके अंदर बॉनफायर लगा के जब चारों जगह से बैठ जाओगे तो वो होते है सुख, परम सुख। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। ये रहेगा शायद हमारे बॉनफायर का लोकेशन, बॉनफायर का। और अभी तो थोड़ा गर्म हो रहा है, धूप में आया अभी बहुत कुछ, शायद अभी बहुत ठंडी होएगी। जो मेरे दोस्त लोग आ चुके अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे रात को बहुत ठंडी हो जाती है यहाँ पे, तो अभी तो धूप है, अभी 3 भी बज रहे हैं, बहुत पीक पे टाइम है धूप का। और देखते 5 बजे 6 बजे कैसा माहौल होता है मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ पे आना वर्थ है कि नहीं, और यहाँ पे कितने पैसे लगे आने के लिए, ट्रैवलिंग कैसे किया, ट्रैवलिंग में कितना गया, गाड़ी का कितना गया, प्राइवेट गाड़ी से आ सकते हैं कि नहीं, सारी डिटेल्स मैं आपको बताते रहूँगा, और स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ सबसे अच्छी लगी तो वो स्टार्टिंग में ये कि यहाँ के वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है, सब कुछ हाइजीनिक है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसको 10 out of 10 दूंगा मैं क्लीननेस को, हाइजीन को। और अभी चेंज कर लेता हूँ और कुछ खा पी लेते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, तो अभी हमारा नाश्ता आ चुका है, नाश्ते में हमको मिला है मैगी, और मैगी हमने लाया था डीमार्ट से और यहाँ पे इनको बनाने दिया, इन्होंने चार्जेस लिया था 10 rupees पर पर्सन। और फिलहाल तो बहुत भूख लगी है, कैमरा बंद करके इन्जॉय करते हैं हम। ऋषभ व्हाट्सअप ब्रो, पावना इज ऑन, स्ट्रेटर कैमरा, हाँ पावना इज ऑन, पीछे अपने दो दोस्त लोग भी आ रहे हैं वफादार। हे टॉमी, और वहाँ पे अपने दो घंटा लोग जा चुके हैं, और 1000 rupees में क्या चाहिए आपको, दो टाइम का नाश्ता, दो टाइम का खाना, बारबेक्यू लिमिटेड खाओ, बॉन फायर एंजॉयमेंट, डीजे नाइट, वहाँ पे देखो टेंट वगैरह है, स्पोर्ट्स, अरे आगे का व्यू दिखाओ, ये देखिए कोई जन्नत से कोई कम है, ओए उधर पानी में जाके बैठे, फक ब्रो फक, सही है भाई इतना सही। ये हमारे टेंट्स है, एक टेंट ओपन करके बताओ, ओपन ही है देख, ये हमारे टेंट्स है, ये हमारे ऐसे दो ब्लैंकेट्स और दो इधर तुम दोनों सो जाओ, हां बोले इधर बैग डाल दे, और यहां पे आप एक बार लोकेशन देख लीजिए, फक दिस शिट, ये बॉनफायर,
भाई भाई भाई, और नहीं चाहिए मेरे को जिंदगी में कुछ, और जिंदगी में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ये सुकून चाहिए। लोकेशन है, क्या बोलते ब्रो, क्या लोकेशन है और ये जिनका व्लॉग चैनल है वो ऋषभ मिश्रा। पानी बहुत ठंडा आ गया लकी, देखा पानी बहुत ठंडा है, थोड़ी देर में शॉर्ट्स पहन के उतरेंगे पानी में, बहुत मजा आएगा भाई, देखते। Get ready for the weekend, turn into a free can, comes an A rip up the mic can. No sleeping, cause sleeping is cheating, so I'm out morning to night time. Insomniacs jumping, the beats are pumping, dropping all the beats at the right time. On it like Sonic, on Vocatonic, and my name's easy, so I spit the funky rhymes. Feeling fine, look so fly, give me that mic and I rock it all night. People in the crowd dancing side to side, with their hands in the air, reaching to the sky like bounce, bounce. Let me see you get down, down. Let me see you bounce, bounce. Let me see you drop, get dig it down, funky. This beat so sick, it's a fever, contagious. When I release the lever, dance till you pass out, don't take a breather. Soldiers bounce with the disco divas. Cheesy so fresh like an evergreen. I wanna see you get high like you've never been. I wanna smash every set when I'm on the scene. Cheese and I might taste you like an ice cream. Yeah. ए भाई लाश लाश लाश, व्हाट्स अप गाइस, अभी हो गए हैं शाम के 6 बजने वाले और अभी है नाश्ते का टाइम और अभी है चाय और भजिया, कपड़े चेंज कर लिए और अभी काफ़ी ठंडी है, ठंड बढ़ने लगी है अभी फिलहाल और अभी जाके नाश्ता कर लेते, बाकी लोग वेट कर रहे हैं हमारा और हम लोग भी जाते हैं और मिलता है आपको नाश्ते पे अपना गरम गरम भजिया और चाय। तो गाइस काफ़ी ऑसम व्यूज़ है, मतलब ट्री वगैरह बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, मतलब एक एक बहुत अच्छा हमको मतलब फील आ रहा है, मतलब ट्रीज वगैरह काफ़ी अच्छे डेकोरेट किए गए हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह का अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया गया है। अभी इसके बाद हमारा ये होगा बारबेक्यू होगा, वहाँ पे खाने को मिलेगा शायद अनलिमिटेड है वो, और मैं बताऊँगा आपको जो भी डिटेल्स रहेंगे। और अब तक का मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मतलब स्विमिंग में भी बहुत मज़ा आया, उसके बाद हम खाना खाने आए और सब कुछ फैसिलिटी अच्छे से मिल रही है यहाँ से, और हर हमें हर टाइम एक ना कोई तो रहता है हमारे साथ जो गाइड करे हमें, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब कुछ है। आपको मैं व्यूज़ दिखा देता हूँ मेरे पीछे का, ये देखिए सब जो दिख रहा है आपको, ये सब पीछे ट्री पे लगाए गए हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब देख के काफ़ी ऑसम लग रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं ये सब पूरे ट्रीज़ को डेकोरेट किए गए, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, एक व्यू लग रहा है हमें देख के, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है बारबेक्यू और नॉन वेज रहेगा और मेले वेज रहेगा, और नॉन वेज वालों को है 5 से 6 पीस और वेज वालों को है 3 से 4 पीस, और देखते हैं अभी क्या रहेगा, कैसा टेस्ट है मैं आपको बताऊंगा रिव्यू में। Next day. फ्रेश हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे और उसके बाद पूरा पैकिंग कर लेंगे और निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ट्रेन भी बुकिंग हो चुका है और सीट
कंफर्म हो चुका है, आते वक्त कंफर्म नहीं था, और उसमें हम तीन ही टिकट कंफर्म था, बाकी दो टिकट हम लोग खड़े रह के आए, अभी जाते वक्त का तो एटलीस्ट कंफर्म है टिकट। और चार दिन पहले आप टिकट निकाल लो, एक दिन पहले मत हमारी तरह वेट करो टिकट निकालने का। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी पीस इधर बहुत इन्जॉय किया मैंने। और डिटेल्स अगर आपको मैं अभी दे देता हूँ, जो हमारा टेंट का खर्चा गया वो है 1000 रुपीज़ पर पर्सन, और जो ट्रैवलिंग गया 500 पर पर्सन, 2500 हमने दिया था, हम पांच लोग थे, उसने हमको स्टेशन से पिक किया, यहाँ पे लेके आया कार वाला, इनसे ही कॉन्टेक्ट में था। और सेकंड थिंग कि उसने हमें दो तीन स्पॉट में भी रुकाया था गाड़ी इन्जॉय करने के लिए, लायन पॉइंट, टाइगर पॉइंट, जो भी हर जगह घुमाया, और वहाँ पर रुके थे हम लोग अच्छा खासा, और काफ़ी इन्जॉय था, एफोर्डेबल था, बजट में था, बजट फ्रेंडली था। और सोए तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल सोए नहीं है, हम लोग 4 बजे सोए हैं, और अभी 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद सो के उठो, आँख अभी तक जल रहा है। और अभी गांव से जस्ट मैं आया, 6 को रात को आया 2 बजे, और 7 को सुबह 6 बजे इधर आ गया मैं लोनावाला की पैकिंग विकिंग करके, निकल गया 7 बजे घर से। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और चलो अभी थोड़ा, अभी भी नींद नसीब नहीं है अपने को, पैकिंग कर लेंगे, रात को 8 तक 9 तक 7 तक पहुँच जाएंगे घर पर, और 9-10 बजे आराम से मस्त सोएंगे। और आप व्यू देख सकते हैं, अभी पूरा वाइट दिख रहा है, अभी दिखा नहीं सकता, कैम से दिखाऊंगा आपको मैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो अभी चलते हैं, फ्रेश होते हैं, और बस। तो ये है खूबसूरती का राज, ये देखो, ये ब्रश और सब कुछ आ रहा था चेहरे पे, ब्रश वगैरह सब इसमें। और देखो हॉस्टल लाइफ मामा सर्थ फेस वॉश, ये मामा सर्थ ब्रांड एम्बेसडर है हमारा, सब प्रोडक्ट मामा सर्थ का यूज करता है। कितने का एक्सपेंसिव एयरबड्स आपके दिखाओ। 200 रुपए के एक दो। गाइस ये मेरा दोस्त है हबीबी, ये दुबई गया था, बोला कि बिजनेस का काम है उधर, कंस्ट्रक्शन करता था। वीजा चाहिए तो मस्ती नहीं, वीजा चाहिए तो इनसे कांटेक्ट करो, बहुत पहचान इनकी ऊपर तक। मेरे को दुबई लेके क्या बोला, बिजनेस करेंगे, बिजनेस पार्टनर करेंगे, उधर जाके बोलते है सीमेंट मार ऊपर जाके बोलते है 40,000 चल 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 गाड़ी स्टार्ट दुबई चलो 40,000 चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला, गाड़ी चला। हॉले हॉले व्हाट्सअप गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके लोनावाला स्टेशन, और अभी ट्रेन है 1 या 2 घंटे बाद, और अभी हम लोग ढूंढ रहे चिक्की, कार बीच में आ गई, हाँ तो अभी हम लोग ढूंढ रहे चिक्की खाने के लिए, लेके जाने के लिए घर पे। लोनावाला आए, चिक्की नहीं लिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करके लिया इन्जॉय। और ये मेरा दोस्त, अभी मिलके हम लोग चिक्की ढूंढेंगे, एक दुकान दिख रहा है काफ़ी ठीक है, सामने दिख रहा है पुरोहित पर्सन स्टेशन सामने दिख रहा है, अभी चिक्की लेंगे, कुछ खाने के लिए लेंगे, फ्रूट्स वगैरह लेंगे, और फ्रूट्स लेके के बाद कुछ हैवी भी देख रहे हैं, इडली मिसल पाव, गाड़ी ना उड़ा थे मेरे को। और ये दो, ये किधर गया, ये अपना 70 वाला तो खाना खा के हो गया, अभी आधे घंटे बाद ट्रेन है, अच्छे से 3-4 घंटे टाइम पास हो गया। और ये कि टिकट सारी कंफर्म हो गई है, मस्त बैठ के जाएंगे, और मिलता हूँ आपको ट्रेन में। अरे यारी बीच में लेकिन ब्लॉगर देख, ब्लॉगर का चप्पल देख, बात की दर ब्लॉगर की दर, मेरे को पूछता है अरे ऋषभ ने मेरा माउथ फ्रेशनर किधर डाल दिया, बोला अरे कैंपिंग के लिए छोड़ दिया, बोले चुस्ती है इसलिए इसको दे रहा नहीं था, तो जान दे अभी इस मैसेज में तेरा वही ठीक है। ठीक है पेट
अरे कैमरा यूज़